के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। तीन दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सीएम योगी विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत के बाद सोमवार को हुए अयोध्या के लिए रवाना। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, सुनी फरियादियों की फरियाद, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए आदेश। 28वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में उत्तर रेलवे ने दक्षिण रेलवे को 27-24 के अंतर से दी शिकस्त, ट्रॉफी पर किया कब्जा। विजयी टीम को जीएम रेलवे ने दी बधाई, कहा आरपीएफ में अब खेल कोटे से भी होगी नियुक्ति। अवैध असलाह और जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे, गिरफ्तारी की लाइव फुटेज, एसपी साउथ ने कहा बासगांव थाने का है स्ट्रीटर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राजस्व प्रशासन एवं अन्य विभागों की मासिक समीक्षा बैठक, राजस्व वादों के निस्तारण के साथ शत प्रतिशत राजस्व वसूली के दिए निर्देश, कहा किसान सम्मान निधि योजना से वंचित किसानों को दिलाया योजना का लाभ। महिला कल्याण विभाग एवं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान कवच को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया आयोजित, शासन द्वारा नामित मास्टर ट्रेनर राजेश मणि ने दिया विधिवत प्रशिक्षण। पूर्व प्रधानमंत्री एवं समाजवादी चिंतक चंद्रशेखर की मनाई गई 12वीं पुण्यतिथि, वर्तमान समय में समाजवाद के चुनौतियों और उसके निराकरण विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन, की गई चर्चा। आयुष्मान भारत हेल्थ कैंप पखवाड़ा के अंतर्गत जिला अस्पताल में लगाया गया कैंप, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा पात्र लोग कैंप में पहुंचकर बनवाएं जरूर अपना गोल्डन कार्ड। ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ लगातार चला रही अभियान, दिख रहा है असर, हेलमेट लगाकर चलने वालों को महिला पुलिस ने बोला थैंक यू। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों में मेस की फीस को घटाए जाने तथा टोकन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग को लेकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रशासनिक भवन पर किया प्रदर्शन, कहा लागू हो टोकन सिस्टम। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत तीन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ द्वारा दी गई भावभीनी विदाई। और एबीवीपी स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं ने किया विवेकानंद को याद, कहा संगठन की मजबूती के साथ किया जाएगा 20,000 पदरोपण।